हाँ दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। और आज का टॉपिक है रियल एस्टेट बिजनेस को लेके। एक कॉलम में मैंने लिखा है जीरो टू हीरो और दूसरे में लिखा है हीरो टू जीरो। ये क्या है? ये दोनों आदमी जिनकी मैं आज बात करने वाला हूँ, दो से भी ज़्यादा थे लेकिन मैं दो ज़्यादातर दो बंदों की बात करूँगा। एक आदमी ने जीरो से हीरो का सफ़र तय किया मेरे साथ काम करके, 2006 में मेरे साथ आया था और सिर्फ 2000 रुपये महीना पर असिस्टेंट के तौर पर उसको रखा गया था। लेकिन उसकी भूख को देखकर, भूख का मतलब काम करने की भूख को देखकर, उसको उसकी इन्वॉल्वमेंट को देखकर हमने 10 दिन में उसकी जो सैलरी है डबल की। 2000 की बजाय उसको 4000 रुपये दिया तब, तो 4000 रुपये देने के बिना उसको अलग अलग साइट्स पर भेजना शुरू किया क्योंकि हमें वहाँ नज़र आ गया था कि ये लड़के में कुछ ना कुछ दम है, ज़रूर करेगा। उसको भूख थी, बहुत गरीब घर से आया था, नाम था सोनू और हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था। ये आया हमारे पास तो हमने अलग अलग साइटों पर भेजा, इसने हमें रिज़ल्ट अच्छे दिए। जब ये वहाँ पर गया, साइट्स पर जाता था तो वहाँ लोग इसको चिढ़ाते थे, पहाड़िया बोलते थे कई बारी कि ये पहाड़ी है। वो मेरे पास आके रोना शुरू कर देता था, सर मेरे को ऐसे बोलते हैं, मेरी बेइज्जती करते हैं। मैंने कहा आपका टारगेट क्या है? यदि टारगेट इन यही लोग हैं, आपको आपके यही लोग आपका टारगेट है, तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। यदि इनको इग्नोर करना सीख जाओगे तो डेफिनेटली आपकी पोजीशन बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो वो एक बार एक मेरे साथ कार में आया, सरहंद से हम आ रहे थे, तो मैंने कहा सोनू तू 20000 रुपये महीना कमा सकता है। तो वो मतलब सोच ही नहीं पाया कि यार जो 2000-4000 रुपये वाला बंदा 20000 रुपये महीना कैसे कमा सकता है। तो मैंने उसको टिप्स जो दिए कि जो साइट पे लोग चलते हैं तेरे साथ, उनको उनसे काम लेना सीख, जो तेरे से सीनियर है वहाँ पर उनको इग्नोर करना सीख। आपको वो हो सकता है गाली भी देते हों, आपको थोड़ा बहुत बुरा भला भी कहेंगे, कुछ और भी करेंगे, लेकिन यदि तो उनकी बात सुनकर तेरे को गुस्सा लग गया तो यू विल लूज डेफिनेटली, कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला। और यदि उनको अपने तरीके से डायल कर गया, अपने तरीके से उनको मोटिवेट कर गया या अपने तरीके से उनमें घुल मिल गया तो डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग बिग वन डे। तो डेफिनेटली उसने थोड़े देर के बाद उसको जाना पड़ा। जाने के बाद फिर मेरे को उसने फ़ोन किया अपने गांव से कि सर मेरे को तो बहुत ज़रूरी है, मैं आपके पास आने चाहता हूँ, जो मर्जी आप सैलरी भी ना दो, सिर्फ मेरे को रोटी के ऊपर रख लोगे तो भी चलेगा। मैंने कहा नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, जब तुम मेरे पास काम करोगे तो सैलरी भी देंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। तो उसके बाद मैंने अपने जो काम के लिए उसको राजस्थान में भेजा और राजस्थान में बहुत बढ़िया तरीके से उसने परफॉर्म किया। आज भी वहाँ पर वो कॉलोनाइज़र है, जो बंदा 2000 रुपये महीना पर नौकरी करने आया था, आज वो कॉलोनाइजर है। और आज ही नहीं बना, आज 2022 चल रहा है, ये 2006 का चल रहा है, 2009-10 में वो तकरीबन कॉलोनियाँ काटनी शुरू कर दी थी उसने। पहले किसी के साथ लग के काटता था और फिर बाद में इंडिपेंडेंट भी करने शुरू किया। नक्शे बनाने सीखे उसने, फीता पकड़ना सीखा उसने, गुनिये में प्लॉट करने सीखे, हर चीज़ सीखी उसने। तो वो जीरो से हीरो बन गया बंदा। मतलब जो बंदा, जिस बंदे के लिए 20000 रुपये कमाना बहुत बड़ी बात थी, वो 2 लाख रुपए में पहुंच गया था। वो मतलब इतना पैसा कमाना शुरू कर दिया था उसने। आज भी उसकी अच्छी इनकम है, उसने घर बना लिया अपना, फोर व्हीलर रखा हुआ है, सब कुछ है उसके पास, बहुत अच्छा है। दूसरे नंबर पर हीरो टू जीरो, ये तीन बंदे मैंने अपने उसमें रखे थे कंपनी में, इनको अच्छी सैलरी देता था मैं और अच्छी सैलरी के साथ साथ इनको रहने के लिए भी जगह, खाने के लिए भी मेरा इंतजाम सारा। लेकिन ये आपस में एक दूसरे की टांग खींचते रहे। इसमें अवतार सिंह, अभिषेक और रवि, तीन बंदे थे इसमें, तो वो आपस में ही एक दूसरे की टांग खींचते रहे। टांग खींचने में कभी मेरे को किसी की शिकायत, कभी कोई शिकायत कर रहा है, कभी कोई मेरे को भी डिस्टर्ब कर दिया। रोटी रिजल्ट क्या हुआ? ये 6 महीने नहीं कटे और 6 महीने के बीच भी आपस में फूट पड़ गई और वहाँ से छोड़ के आ गए। अपना तो नुकसान किया ही किया, इन्होंने डेफिनेटली मेरा नुकसान भी किया। मेरा नुकसान यह है कि मैंने इनको जीरो से हीरो वाली तरफ लेके जा रहा था, इनको ट्रेंड किया मैंने
कि काम कैसे करना है, देखना कैसे है, प्रॉपर्टी कैसे देखनी है, कागज़ कैसे देखने हैं, कैलकुलेशन कैसे करनी है, डेवलपमेंट कैसे करनी है, नाले बनाने हैं उसके ऊपर पुलिया बनानी कैसे बनाने हैं, नाले पक्के करने तो कैसे पक्के करने, ये चीज़ें उनको सिखाई। लेकिन जब इसका फसल काटने का टाइम आया तो ये आपस में फूट पड़ गई इनमें और फूट पड़ने से वापस आ गई। तो दोस्तों आपने देखना है कि यदि आप इस तरीके का बनना चाहते हो, जीरो टू हीरो बनना चाहते हो, तो आपके पास, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आपके पास ही सारे गुण हैं जीरो से हीरो बनने के। यदि आप एक दूसरे की टांग खींचोगे फिर हीरो टू जीरो बनने में भी आपको टाइम नहीं लगेगा। ये बंदा इनके नीचे काम करता था, ये मैनेजर थे और ये असिस्टेंट था, ये मैनेजर जीरो हो के आगे और ये जो असिस्टेंट था ये आज कॉलोनाइजर बन के बैठ गया। सो दोस्तों हमने इन बातों का ध्यान रखना है, ये रियल स्टेट की वीडियो नहीं है, ये आपके लिए लाइफ लेसन है। यदि हम लाइफ लेसन को इस तरीके की जिंदगी, इस तरीके की चीज़ें अपनी ज़िंदगी में उतारते चले जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी और एक दिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगी। जो बंदा 10,000-15,000 रुपये की बहुत बड़ी उसका सपना था और वो लाखों में चला जाए तो डेफिनेटली उस बंदे का भी योगदान रहा, कंट्रीब्यूशन रहा, कंटिन्यूटी रही है उसकी, उसने जबकि ये बंदे पहले ही लाखों वाले थे, मतलब 25-25-30,000 से ज़्यादा सैलरी थी इनकी, लेकिन मेंटेन नहीं कर पाए और उससे नीचे आ गए। एक तो इनमें से मेरे को एक दिन मिला था, टेम्पू का ड्राइवर बना हुआ है, जो बंदा उस समय मैनेजर था आज वो टेम्पू चला रहा है, कोल्ड ड्रिंक का टेम्पू मैंने देखा उसको चलाते हुए एक दिन पेट्रोल पंप पे, यहाँ चंडीगढ़ में पेट्रोल डलवा रहा था। तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किसी चीज़ को कैसे लेते हो। यदि आपके ऊपर अच्छे बंदे आपके साथ जुड़े हुए हैं, अच्छे बंदों के साथ आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली उनके साथ बना के रखो। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो घरों में भी होती हैं, वाइफ का हस्बैंड से रोज़ झगड़ा होता है तो इसका मतलब हस्बैंड वाइफ का तो रोज़ तलाक हो जाए यार। ये थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना सीखो, किसी भी रिलेशन को मेंटेन करने के लिए अमेंडमेंट और एडजस्टमेंट दोनों चीज़ें चाहिए, तीसरी तो चीज़ ही नहीं चाहिए। यदि आप अपने आप को खुद को अमेंडमेंट कर लो, सामने वाले के साथ एडजस्टमेंट कर लो तो डेफिनेटली आप ग्रो कर ही जाओगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, इसके ऊपर चर्चा करना और आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में। यदि कोई आप मेरे को सजेशन देना चाहते हो वो भी कमेंट बॉक्स में, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो ताकि इस तरीके की वीडियो, चाहे लाइफ लेसन है, आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि पता नहीं कौन सा पॉइंट आपकी ज़िंदगी में जाके क्या किसने काम कर देना है। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।